पहले क्या देख रहे हैं हम? पहले देख रहे हैं चिकन मैरिनेटेड इन कोला, बराबर, विथ हनी एंड चिली। ओके, जरा सामग्री बताओगे? आधा प्याज, पाव किलो चिकन, बराबर, आधा आधा लाल कैप्सिकम, पीली कैप्सिकम, हरी कैप्सिकम, कोला कोई भी ब्रांड का 200 ml, लहसुन बारीक कटा हुआ, टूथपिक्स, शहद, नमक स्वादानुसार, ब्राउन शुगर या डेमेरारा शुगर भी कहते हैं इसे, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और वाइन विनेगर। मैरिनेशन का महत्व समझ चुका हूँ, कोला मुझे वहाँ पे मिलने वाला नहीं है ये भी मैं जान चुका हूँ। ठीक है, हम विधि की तरफ चलते हैं। विधि क्या है हमारी? विधि है कि हम अभी चिकन ले लेंगे, ये डालेंगे, इसके छोटे चॉप करने हैं, स्केवर स्टिक में जाए जितने। ठीक है, उसके बाद सारे शिमला मिर्च। ओके, यहाँ हम टमाटर या और भी कुछ यूज कर सकते हैं लेकिन ये सबसे अच्छा दिखता है। क्योंकि मैरिनेशन में तंदूरी आइटम्स जो है उन्हें थोड़ा, और ये ढीला नहीं पड़ता। हाँ, ये ढीला नहीं पड़ता। थोड़ा सा क्या है कि हमारे रसिक दर्शक जो है उन्हें क्लियरली बता दिया तो वो तुरंत समझ जाते हैं। लहसुन, लहसुन ब्राउन शुगर, अच्छा ये सब हम एकजुट कर लेंगे, एकजुट कर लें, बराबर, शहद ले लें, शहद हमें कितना लेना है? शहद तकरीबन 2 टेबल स्पून। ओके, 30 ml, विनेगर है ये या फिर राइस वाइन विनेगर या कोई भी विनेगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आम विनेगर, बराबर, वाइन विनेगर हो तो अच्छा है, उसका फ्लेवर आता है। करेक्ट, चिली फ्लेक्स, इसमें कोई भी लिकर मिलाएंगे तो भी चलेगा? हाँ हाँ, रम, विस्की, एक्चुअली वोडका ये एक प्रकार है जो मैरिनेशन में भी यूज होता है। ओके, पाइनएप्पल वोडका या वोडका विथ चिकन, ये मतलब उसकी वजह से वोडका से क्या होता है वो एक जिंक देता है। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने लीकर डाली भी तो भी जब फ्लेम्स के कांटेक्ट में आती है तो सारी लीकर निकल जाती है, जो रहती है वो फ्लेवर है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि हम दारू खा रहे हैं, हम हिल रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो फ्लेवर जाता के लिए होता, फ्लेवर रह जाता है, लेकिन वोडका मिला है तो अच्छे से हमें चक्कर आ। हाँ, बहुत। और डायरेक्ट वोडका पिया तो मन नहीं मानता, आप ही फैसला कीजिए, अकेले पीना है या इसके साथ पीना है। और सबसे आखिर में कोला। कोला, ओके, नमक सबसे आखिर में, आखिर में। ये सूजी कैसे तुम्हें रेसिपी? ये वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम टिक्का खाते हैं तभी हम उसके साथ कोला पीना चाहते हैं। और होता यह है कि इतने मैरिनेशन हैं, इतने वेरिएशन हैं, इसलिए ये रेसिपी सूजी। बराबर, ये अभी हमें कितनी देर मैरिनेशन करना होगा? ये अंदाजन 15 मिनट से 30 मिनट तक मिनिमम। बराबर, मैक्सिमम आप फ्रिज में रख सकते हैं और एक दो दिन तक अच्छा रहता है अगर चिकन फ्रेश हो तो। आधा घंटा हो चुका है, मैरिनेशन कंप्लीट हो गया है। संजय, अब आगे क्या करेंगे? अब हम टूथपिक लेकर एक एक करके डालेंगे। ओके, चिकन लीजिए, ये चिकन सिर्फ डबलिंग करना है। हाँ, डबलिंग करना है, एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, ग्रीन थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए। रेड, रेड, ओके, बड़े स्कीवर्स हैं तो बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े टूथपिक्स हमारे घर में होते ही हैं। मतलब कैसा है कि चिकन कुक्ड होता है और ये थोड़ा सा हाफ डन होता है, इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा लगता ये है। ये सिर्फ आप कभी खाते हैं, किस स्थिति में खाते हैं उस पर काफी सारे बातें निर्भर होती है। ये एक्चुअली अगर पार्टी मेनू है ये। तेल गरम हो चुका है, गैस बढ़ाऊं? नहीं नहीं, धीमा ही रहने दो। अब इसके डिप के लिए हम इसका ही मैरिनेशन यूज कर सकते हैं। बराबर, हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं,
यानी ये थोड़ा सॉस सॉसी हो जाएगा। ओके ओके ओके। ये होने के बाद, मतलब शैलो फ्राई होने के बाद सीधे खाने की शुरुआत सॉस के साथ? सॉस के साथ। आप लिखना शुरू कीजिए, सब कुछ बताना पड़ता है, मुश्किल है भाई। सामग्री और विधि लिखिए। कोला मैरिनेटेड हनी चिली चिकन बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: एक प्याज, पाव किलो चिकन, रंगीन शिमला मिर्च के टुकड़े, 200 ml कोला, लहसुन, शहद, नमक, 2 tablespoons ब्राउन शुगर, 1 tablespoon चिली फ्लेक्स और वाइन विनेगर। विधि: पहले एक बाउल में चिकन के टुकड़े, रंगीन शिमला मिर्च के टुकड़े, प्याज, लहसुन, ब्राउन शुगर, 2 चम्मच शहद, वाइन विनेगर, चिली फ्लेक्स, कोला और नमक, ये मिश्रण एक साथ मिला के चिकन आधा घंटा मैरिनेट कर लें। टूथपिक में शिमला मिर्च और चिकन के टुकड़े लगा लें। पैन में तेल गरम करके उसमें मैरिनेशन और मैरिनेटेड चिकन शैलो फ्राई कर लें।